नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एजुकेशन में। दोस्तों, आपके MP बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग दोस्तों यहां पे आपका नया ब्लूप्रिंट और साथ में दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक भी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है न्यूज़, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली न्यूज़ देख ली होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज़ है आपको आज के फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की परखी जाएगी समझ, तार्किक प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या न्यूज़ है। जैसे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, दोस्तों जो पूरी न्यूज़ है जो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से इसको देख सकते हैं, या फिर दोस्तों जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी मैं इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा के विद्यार्थियों को अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से निजात मिलने वाली है। इसके बदले अब उनसे छोटे छोटे तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर पूरे चैप्टर को ठीक से समझकर पढ़ने के बाद ही दिया जा सकेगा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न पर यहाँ पर बदलाव कर रहा है। हर साल पूछे जाने वाले सीधे सीधे प्रश्नों की जगह तार्किक और समझ परख के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अभी जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें जो आपके 25 जो प्रश्न होते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके अति लघु उत्तर यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि दोस्तों आपके 2 अंक के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि दोस्तों आपके 3 अंक के 4 प्रश्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 28 अंक के होते हैं। देन इसके बाद दोस्तों आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 5 अंक के, यहाँ पे 5 प्रश्न होते हैं, जो कि आपका दोस्तों टोटल 25 नंबर के होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों क्या बदलाव किया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये पहले होता था और अब यहाँ पे देखिए, अब यह होगा, जो कि आपका दोस्तों 100 नंबर का पेपर है, जिसमें दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे आपके 30 अंक के होंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट आंसर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों आपके 30 अंक के होंगे, जिसमें आपके 3-3 अंक के 10 प्रश्न होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के दोस्तों आपके यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपके 30 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके समझ परख के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये दोस्तों आपके टोटल 40 नंबर के होंगे, जिसमें से आपके दोस्तों 4-4 नंबर के यहाँ पे 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ पे एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट और देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के पैटर्न का ब्लूप्रिंट और हर विषय का प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी, यानी कि दोस्तों जो आपके नए पैटर्न के जो आपके क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाएंगे उसका दोस्तों जो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है आपको MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और MP बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों जैसे किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आती है MP बोर्ड की, इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।